हमने कंपाउंड माइस्ट्रो पढ़ा था, जिसका जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला आता था एम इक्वल्स टू माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इन टू डी अपॉन यू ई, वेयर वी नोट होता है जो अपना ऑब्जेक्टिव लेंस था, उस लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो है वी नोट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है यू नोट, एंड जो यूई है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आई पीस वाली लेंस के लिए। ये सब हमने डायग्राम में पढ़ लिया था। अब हम दो केस की जो डिस्कस कर रहे थे, केस फर्स्ट है अपना वहन फाइनल इमेज इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी, डी मीन्स डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज देखो डायग्राम में भी आपको बताया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ डायग्राम छोटा सा। तो जो फाइनल इमेज है वो आई पीस वाला लेंस बनाता था, तो लेंस फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे फाइनल इमेज के लिए तो वो आई पीस वाले लेंस के लिए हम यूज करेंगे। तो जो इमेज है इमेज डिस्टेंस को हम लिखेंगे डी, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू उसको लिखेंगे माइनस का यू, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे दोनों ही। ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए हम ई लगा देंगे, पेयर है सॉरी आई पीस वाला लेंस है तो ई लगा देंगे यहाँ पर। अब हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाई अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है अपना वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन बाई एफ। तो हम आई पीस वाली लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ई लगा देंगे, वी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, यू की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा वन अपॉन वी, वी की वैल्यू पुट कर देंगे हम माइनस ए माइनस वन अपॉन यू, यू की जगह हम पुट कर देंगे माइनस का यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो जाएगा वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन डी इक्वल्स टू वन बाई एफ ई। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां से वन बाई यू को हम लिख सकते हैं वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई। इसको इक्वेशन दे, ये इक्वेशन अपना थर्ड था, इसको इक्वेशन दे दो फोर, और इसी इक्वेशन को थर्ड को आप चाहो तो थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो वन अपॉन यू ई। अब इस वन अपॉन यू ई की जो वैल्यू है ये इक्वेशन फोर से ये पुट कर दो तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, देखो एम इक्वल्स टू माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट सॉरी पर